नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका ओके क्रेडिट में। दोस्तों, हम समय समय पर आपको कई बिजनेस टिप्स देते रहते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसी आपसे कहानियाँ भी शेयर करते हैं, युवाओं की खास तौर पर, जिससे आपको प्रेरणा मिल सके, जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत साबित हों। आज ऐसी ही एक कहानी हम लेकर आए हैं हरिओम नौटियाल की, जो कि देहरादून के रहने वाले हैं और 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद हम में से बहुत कम लोग सोच सकते हैं। एक तरफ जहाँ पर हम लोग शहरों का रुख कर रहे हैं, शहरी क्यों, हम अपने देश को छोड़कर विदेशों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हरिओम नौटियाल ने ये सोचा। अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, लेकिन उनके जहन में आया कि नहीं, मुझे तो भाई गाँव में जाकर नौकरी करनी है, मुझे अपनी जड़ों के साथ जुड़ा रहना है, मिट्टी के साथ मिट्टी बनूंगा, तभी जीवन का मज़ा आएगा, तभी जीने का लक्ष्य जो है वो हासिल हो पाएगा। तो हरिओम नौटियाल ने ऐसा ही किया, अपनी नौकरी छोड़कर उन्होंने गांव की ओर रुख किया और कई ऐसे लोगों को नौकरियां दी जो शायद बेरोजगार थे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। क्या है पूरी कहानी आपको सुनाएंगे इस वीडियो के जरिए, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, एंड तक देखिएगा तब लाइक कीजिएगा, और हाँ, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको इस तरह के वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं और किस तरह के वीडियोज़ आप और देखना चाहेंगे बिजनेस को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरिओम नौटियाल की इस प्रेरणादायक कहानी से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और रिसर्चर के पद को छोड़ अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वाले हरिओम नौटियाल उत्तराखंड के रानी पोखरी स्थित बड़कोट गांव के रहने वाले हैं। माता पिता की ख्वाहिश थी कि बेटा इंजीनियर बने, इसलिए हरिओम ने ग्राफिक एरा देहरादून से बीई और जयपुर राजस्थान की जेएनयू से एमसीए की डिग्री हासिल की और उसके बाद दिल्ली और बेंगलोर में 4 साल तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और रिसर्चर के तौर पर अच्छी खासी तनख्वाह वाली नौकरी की। अच्छे जॉब और पोजीशन से परिवार के लोग काफ़ी खुश थे, होने लग रहा था कि उनका बेटा अब अपने जीवन में एक स्थिरता की ओर है। लेकिन इन सब से हरिओम नौटियाल संतुष्ट नहीं थे। उन्हें अपने जीवन में बस जॉब कर अपने लिए ही काम नहीं करना था, क्योंकि वो तो अपने गांव लौटकर गांव के लिए, गांव के लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहते थे। इसलिए अच्छी नौकरी छोड़ उन्होंने गाँव वापस लौटने का फैसला किया। केवल 5 गायों से की बिजनेस की शुरुआत। हरिओम नौटियाल ने 2014 में केवल 5 गायों से अपनी डेयरी की शुरुआत की। हरिओम नौटियाल अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि जब मैंने गांव में परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर डेयरी बिजनेस की शुरुआत की, तो शुरुआत में प्रतिदिन महज 9 रुपये का ही मुनाफा होता था और हर महीने सिर्फ 270 रुपये प्रति महीने की बचत हो पाती थी, जो बेहद कम था। काफ़ी समय तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन मैंने और मेरे परिवार के सदस्यों ने हौसला नहीं छोड़ा। हमने डेयरी के काम के साथ साथ बचत राशि को एकत्रित कर मुर्गी पालन भी शुरू कर दिया। फिर कुछ समय बाद समय बदला, हालात में परिवर्तन आया और व्यवसाय बढ़ने लगा। आज के समय में इसी डेयरी से हरिओम हर महीने 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। हरिओम नौटियाल ने बदली बिजनेस करने की तकनीक। हरिओम बताते हैं कि आमतौर पर लोग दूध की डिलीवरी घर घर जाकर करते हैं, लेकिन मैंने दूध के साथ साथ चिकन और अंडे को भी होम डिलीवरी शुरू कर दी, जिससे लोग बिना किसी कष्ट के ऑर्डर देने लगे। बाजार में 180 से 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चिकन बिक रहा है, लेकिन हरिओम 130 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चिकन देते हैं, वो भी होम डिलीवरी। हरिओम नौटियाल के बिजनेस का मॉडल। 5 गायों से अपना बिजनेस शुरू करने वाले हरिओम नौटियाल जी के पास आज 12 गाय और भैंस है। इनमें साहिवाल, हरियाणवी, जर्सी, रेड सिंधी आदि नस्लें शामिल हैं। हरिओम ने अपने फार्म को खुद ही डिजाइन किया, जिसमें आज लगभग हर नस्ल की गाय है। उनके फार्म में 2 स्टोरी है, एक भूतल और दूसरा प्रथम तल। भूतल पर डेयरी फार्म है, उसके ऊपर प्रथम तल पर मुर्गी पालन के लिए 2 बड़े हॉल बनाए गए हैं, जिसमें वो ब्रॉयलर मुर्गियां पालते हैं। इसके साथ ही भूतल में देसी मुर्गियों के लिए अलग बाड़ा बनाया गया है। साथ ही हरिओम मशरूम भी उगाते हैं, जिसमें डेयरी के आंगन में ही मशरूम उत्पादन के लिए भूमिगत कमरे बनाए गए हैं। हरिओम के फार्म में कई लोग काम करते हैं, उनको रहने की दिक्कत ना हो उनकी सुविधा के लिए कर्मियों के रहने की व्यवस्था अलग से की गई है। हरिओम के फार्म को आदर्श फार्म की संज्ञा दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हरिओम नौटियाल डेयरी और मुर्गी पालन के साथ साथ आज कंपोजिटिंग, मशरूम की खेती, बकरी पालन समेत कई नए व्यवसाय शुरू कर चुके हैं। हरिओम ने हाल ही में अचार और जैम बनाने का काम भी शुरू किया है। वो उत्तराखंड से मिलने वाले फल, माल्टा और बुरास जैसे अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्तराखंड के ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 1000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना हरिओम का लक्ष्य है।
हरिओम उत्तराखंड के अन्य पहाड़ी गांव में अपने बिजनेस को बढ़ाने की तैयारी में हैं और इसके लिए वो गांव में मिनी स्टोर भी खोल रहे हैं। हरिओम कहते हैं कि मैं अपने बिजनेस को सफल बनाने के साथ ही लोगों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित करता हूँ। इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग और आवश्यक सहायता भी मैं अपनी तरफ से देने के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड के गाँव को वीरान होने से बचाना है। हाल ही में उत्तराखंड के हजारों गांव खाली हो चुके हैं और अन्य गांव भी दिन प्रतिदिन खाली होते जा रहे हैं। ऐसे में पलायन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।